प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह। कैसे हैं आप लोग? मैं फिर से परमेश्वर के वचनों के द्वारा उत्साह करने के लिए आप लोग के बीच में आई हूँ। विशेष करके फिर से मैं प्रार्थना के विषय में आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, मैं बातें करना चाहती हूँ कि प्रार्थना हमारे जीवन के लिए कितना आशीषित महत्वपूर्ण एक कारण है। क्योंकि इन दिनों में जब प्रेयर के विषय में आप लोगों से बातें कर रही थी, जो मैंने गवाही आप लोगों को दिया, जो अपने जीवन में मैंने उस आशीष को पाया, तो मैंने बहुत सारे ऐसे चीज़ों को अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को महसूस किया है। जब जब हम लोग सुबह को उठते हैं तो सबसे पहले हमारा मन में, हमारा दिमाग में सिर्फ घर के कामों में ही हमारा मन रहता है और ध्यान रहता है, बल्कि हमें सबसे पहले उठ के प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि हम उन सारे चीज़ों में हम चूक जाते हैं, हमारा माइंड जो रहता है डाइवर्ट होके हम ज़्यादातर संसार के कामों में ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। तो प्रियो, हम संसार की बातों में हमें ध्यान कम दे करके परमेश्वर को सबसे सर्वप्रथम स्थान देने से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन करके हम जो संसार के लिए सोचते हैं वो काम हमारा ऑटोमेटिकली उनके शेड्यूल के अनुसार वो क्लियरली होते जाता है। क्योंकि ये सारा चीज़ मैं अपने जीवन में महसूस किया है, अपने जीवन में मैंने एक्सपीरियंस किया है। कोई भी चीज़ सडनली जब गलत होने शुरुआत होता है तो उसको हम कैसे क्लियर करें, कैसे हम उसको साफ और सुथरा से काम करें। जब जब मैं प्रभु से सुबह को भोर उठ के प्रार्थना करती हूँ, जो मेरा चिंता रहता है, जो मेरा वरीड रहता है बहुत सारे चीज़ों के लिए, जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो मुझे रिलीफ महसूस होता है, मुझे हल्का महसूस होता है। और उस प्रार्थना के द्वारा ही मेरा सुबह से ले कर रात तक का हर काम पूरा रीति से शांतपूर्वक होता है और मुझे पता भी नहीं चलता है कि ये सारा चीज़ कैसे हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ रहता है कि मैं जब उनसे बातें करती हूँ तो उन्होंने मेरा जिम्मेवारी लिया है कि मैं उनके मेरा जो काम है वो उनका जिम्मेवारी रहता है कि वो मेरे काम को सफल करें। सुप्रियो, आप हमेशा भोर को उठे तो सबसे पहले अपने कामों को नहीं, अपने चीज़ों को नहीं, अपने फ़ोन को नहीं, लेकिन सबसे पहले घुटना में आए और प्रभु से प्रार्थना करें। मैं आप लोगों को एक हिंट देना चाहती हूँ, एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ, वो बाइबल के थ्रू से ही है। जब जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं तो हमें अपने रूम में ही बैठ के हमें प्रार्थना करना है। और ये भी ज़रूरी है कि जब हम काम करते हैं तब भी हम प्रभु के नाम को लेते हुए हम हर एक बातों में धन्यवाद दें और हम बहाना ना करें कोई चीज़ों के लिए। हम प्रार्थना के लिए, विशेष करके हम प्रार्थना के लिए बहाना ना करें। क्योंकि हम बहुत बार ऐसे होता है कि हम ज़्यादातर प्रार्थना के लिए एक्सक्यूजेस बनाते हैं। एक्सक्यूजेस नहीं बनाना है, क्योंकि अगर हम बहाना बनाते हैं प्रेयर के लिए, हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं प्रेयर के लिए, तो हम सेम हमारा स्वभाव आदम के जैसे ही हुआ है। क्योंकि जब हम अपना प्रेयर लाइफ में एक्सक्यूजेस लाते हैं तो जैसे आदम ने अपने शर्म को छुपाने के लिए पेड़ के पीछे छुपा, वैसे ही हमारा स्वभाव भी प्रेयर के लिए वैसे ही दिखने में आता है। क्योंकि जब हम प्रेयर के लिए एक्सक्यूजेस बनाते हैं तो हम प्रभु से छुपते हैं और हम प्रभु के आशीष को हम अपने आप से दूर से रखते हैं, हम रोक के रखते हैं। इसमें हमारा लॉस है, लेकिन जो हम प्रार्थना लेवल, जो प्रेयर लेवल हमें ऊंचा करना है, उस चीज़ से हमें लॉस होता है, लेकिन जिसका पूरा होता है वो बहुत ही आनंद होता है। क्योंकि हमें हमारा प्रेयर सक्सेस होने के लिए हमेशा अंधकार का शक्ति हमें हर चीज़ों से वो रुके रहना चाहता है। इसीलिए हमें कभी भी प्रेयर के लिए एक्सक्यूजेस नहीं करना है, लेकिन हमेशा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे प्रथम स्थान हमें प्रभु को देना है। हमें प्रार्थना एक खूबसूरत दिन की शुरुआत है, प्रार्थना एक परमेश्वर से कनेक्ट रहने का एक अच्छा अवसर है और प्रार्थना हमारे जीवन का बहुत ही कीमती रहस्यमय परमेश्वर के साथ जुड़े रहने का एक आदत है। मैं विश्वास करती हूँ आप लोगों को इस उत्साह की बातों के द्वारा आप लोग उत्साह हुए हैं और परमेश्वर आप लोगों को ढेर सारा आशीष दे। इसी तरह फिर से परमेश्वर के वचनों के द्वारा मैं आप लोग उत्साह करना चाहूँगी। तब तक ले आप सबों को हमारे लिए प्रार्थना करें, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु आप लोग को ढेर सारा आशीष दे। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल।